हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर जीके क्लास फॉर ग्रेड 7। द नेम ऑफ द बुक इज नियो जीके हब। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 39, 40 एंड 41। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 39। दिस इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज केमिकल सिंबल्स। बेटा, साइंस में आपने केमिकल बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े होंगे और उनके सिंबल्स भी आप पढ़ते हो, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। हमारा जो नया युग है, मॉडर्न युग है, सिविलाइजेशन है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। द एज इन विच वी लिव कैन राइटली बी कॉल्ड द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और बिल्कुल सही नाम दिया है इस एज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज मेड मैनी यूजफुल अचीवमेंट्स इन एवरी फील्ड ऑफ आर लाइफ। हमारी लाइफ में हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स देखी हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुई हैं। नाउ लेट स्टार्ट मैच द सिंबल्स विद द एलिमेंट्स। ओके, नंबर वन इज मरकरी। मरकरी मीन, मरकरी का सिंबल है HG। दिस इज सिल्वर। सिल्वर का है AG। देन क्रोमियम। क्रोमियम का है CR। ये जैसे लिखे हैं ना ऐसे लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, नेक्स्ट वाला स्मॉल, ये इसका लिखने का तरीका ही यही है। मैग्नीशियम MG। क्लोरीन CL होता है, CL, ये H पे लिखा हुआ है। बेरियम BA, G पे लिखा है। लेड PB, B पे लिखा है, B पे। प्लैटिनम PT, I पे लिखा है, 8। सोडियम Na, A पे लिखा है। एल्यूमिनियम AL, E, मैच 10 विद E, AL। नाउ 11, क्लियर? 1 to 10 आपको सब क्लियर हो गए। अब हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। 11, जिंक ZN, O, मैच सल्फर 12 विद S, दैट इज M, यूरेनियम U, कॉपर CU, गोल्ड AU। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल सिंबल्स। नाउ स्टार्ट, लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 40। दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन्स, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। देर आर मैनी स्पोर्ट्स पर्सन इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स प्लेयर्स पोजेसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट विच इज नर्चर्ड थ्रू हार्डवर्क, determination and perseverance. It is only due to consistent outstanding performance. अब आपने फिलअप्स को फिल करना है। नीचे बॉक्स में स्पेलिंग्स दिए हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं और यहाँ ध्यान से आपने सुनना है और पढ़ना है। डैश इज एन इंडियन क्रिकेटर एंड द करंट कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। हाँ, ये थोड़ी बुक पुरानी होगी, अब करंट तो नहीं है, अब तो विराट कोहली है करंट, बट हाँ, ही इज एन इंडियन क्रिकेटर एंड ही इज एन अटैकिंग राइट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैट्समैन एंड विकेट कीपर, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। डैश इज अ रिटायर्ड चेस एंड अमेरिकन टेनिस प्लेयर एंड कोच। बिली जीन किंग, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, सेड इन 2006 दैट नवरातिलोवा इज द ग्रेटेस्ट सिंगल्स, डबल्स एंड मिक्स्ड डबल्स प्लेयर हुज एवर लिव्ड। इतनी बड़ी बात कही गई थी नवरातिलोवा के लिए कि ये सबसे ग्रेटेस्ट है, सिंगल में भी खेलने वाला, डबल में भी टेनिस प्लेयर है ये, एंड मिक्स्ड डबल प्लेयर भी। तो ये कौन है? मार्टिना नवरातिलोवा। नंबर 3, डैश इज अ प्रोफेशनल जर्मन फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर करंटली ड्राइविंग फॉर द ऑस्ट्रियन रेसिंग टीम रेड बुल रेसिंग। ये एक प्रोफेशनल जर्मन फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर है, मतलब ऐसा ड्राइवर जो इस तरह की गाड़ियों को चलाता है। करंटली वो ऑस्ट्रियन रेसिंग टीम रेड बुल रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो है सेबेस्टियन वेटल। क्या नाम है? सेबेस्टियन वेटल। डैश इज एन इंडियन, ये तो सबको ही पता होगा,
इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर हैं ये, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम थे ये। आपको पता है हमारा हॉकी जो है नेशनल गेम भी रहा है भी अभी भी। ही इज करंटली द मैनेजर ऑफ द इंडियन हॉकी टीम, हॉकी टीम का के मैनेजर अब आजकल ये हैं, और ये हॉकी बड़े अच्छे हॉकी प्लेयर रह चुके हैं और कैप्टन भी। इनका नाम है धनराज पिल्ले। क्या नाम है? धनराज पिल्ले। नेक्स्ट इज डैश इज अ रशियन चेस ग्रैंड मास्टर, फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन, राइटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। ये चेस प्लेयर हैं, रशियन हैं और फॉर्मर चैंपियन भी रह चुके हैं, राइटर भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। इनका नाम है गैरी कैस्पारोव। क्या नाम है? गैरी कैस्पारोव। कोई भी बेटा स्पेलिंग में आपको दिक्कत हो तो आप नीचे से हिंट बॉक्स में भी स्पेलिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट डैश इज अ जर्मन प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हु करंटली प्लेज विद बोरशिया डेजल्डॉर्फ एंड इज द जर्मन नंबर टू ऑफ द जर्मन टेबल टेनिस नेशनल लीग। ये भी टेबल टेनिस प्लेयर हैं, जर्मन के हैं, और जो आजकल बोरशिया डजल फील्ड में खेलते हैं, और जर्मन नंबर टू ऑफ द जर्मन टेबल टेनिस नेशनल लीग के भी मेंबर हैं। इनका नाम है टाइमो बॉल। क्या नाम है? टाइमो बॉल। नेक्स्ट टीनेज वॉलीबॉल प्लेयर हैज प्लीडेड विद हर फैंस टू फोकस ऑन हर स्पोर्ट्स स्किल्स रादर देन द हर डूई आईड गुड लुक्स, सेइंग द अटेंशन शी रिसीव्स इज अ लिटल बिट मच। ये यंगस्टर वॉलीबॉल प्लेयर हैं जो अपने फैंस को बहुत ही अट्रैक्ट कर रही हैं अपने खेल से, और सब लोग इनकी जो खेल का है तरीका वो देखते ही बनता है, अट्रैक्ट होते हैं अच्छे से। इनका नाम है सबीना एल्टिन बेकोवा। सबीना एल्टिन बेकोवा। नेक्स्ट लास्ट डैश इज अ लेफ्ट हैंडेड इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया हु हैज वॉन द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 14 टाइम्स टिल 2013। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। ये लेफ्ट हैंडेड है और इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है, इंडिया से हैं, और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि उन्होंने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 14 बार जीता है 2013 तक। इनका नाम है ज्वाला गट्टा। क्या नाम है? ज्वाला गट्टा। दिस इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन। नाउ लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 41। दिस इज अबाउट स्प्लेंडिड स्टेडियम। ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के स्टेडियम्स हैं। वो किस स्पोर्ट्स के लिए जाने माने जाते हैं? सिटी, कंट्री एंड नेम ऑफ स्पोर्ट्स। आपको ये सब बताना है। हियर आर द नेम्स एंड पिक्चर्स ऑफ सम इंटरनेशनली वेल नोन स्टेडियम्स। राइट द लोकेशन एंड स्पोर्ट्स पॉपुलरली प्लेड इन द स्टेडियम यूजिंग यूटिलिटी बॉक्स। इसके भी बॉक्स में नीचे सारे हिंट्स दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी स्पेलिंग्स में दिक्कत आए तो यू कैन गो फॉर इट। नीचे से आप देख सकते हैं। पहला है स्टेडियम बुकिट जलील नेशनल स्टेडियम। दिस इज इन क्वालालंपुर मलेशिया। सिटी है क्वालालंपुर एंड कंट्री इज मलेशिया एंड द नेम ऑफ द स्पोर्ट इज एसोसिएशन फुटबॉल। नेक्स्ट इज फर्स्ट नेशनल बैंक स्टेडियम। ये स्टेडियम के नेम्स हैं। जोहनेसबर्ग साउथ अफ्रीका। जोहनेसबर्ग इज अ नेम ऑफ सिटी एंड साउथ अफ्रीका इज कंट्री एंड द नेम ऑफ स्पॉट इज एसोसिएशन फुटबॉल और रग्बी। दोनों में से कोई भी गेम इसमें प्ले कर सकते हैं। ट्विकेनहैम स्टेडियम। दिस इज इन लंडन यूके एंड दिस इज फॉर रग्बी यूनियन। नेक्स्ट इज कैंप नाउ। दिस इज इन बार्सिलोना स्पेन। बार्सिलोना स्पेन। दिस इज फॉर एसोसिएशन फुटबॉल और एथलेटिक्स। नेक्स्ट इज काइल फील्ड। दिस इज इन कॉलेज स्टेशन यूएसए। नेम ऑफ स्पोर्ट्स इज अमेरिकन फुटबॉल। द लास्ट वन इज एडन गार्डन्स
कोलकाता इंडिया. दिस इज फॉर क्रिकेट. दिस इज ऑल अबाउट ऑल द लेसन चैप्टर 39, 40 and 41. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. और आप बेटा इनको अच्छे से राइट डाउन करेंगे अपनी बुक में, लर्न करेंगे और ये एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस. सो लर्न इट प्रॉपर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.